हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल को आपका अपना चैनल इसलिए बोला जाता है कि आप किसी तरीके के टॉपिक में अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे काम करके आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरीके की क्वारीज है तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसको भी मैं जल्द से जल्द दूर करूंगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था नेशनल एक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम नेशनल पॉलिसी और स्कीम्स के बारे में इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना वक्त जाया किए। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इस क्लास में हम जो कंटेंट देखेंगे वो इस बारे में देखेंगे, पॉलिसीज जो है हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 उसके बारे में जानेंगे, और स्कीम्स के अंदर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, इन सब के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन को हम NPE की से भी जानते हैं और ये पॉलिसी 1968 के अंदर आई है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, और ये पॉलिसी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर बेस्ड है। कोठारी कमीशन द्वारा ये सर्वे किया गया था कि क्या क्या इंडियन एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर सजेशन दिए थे कि क्या क्या इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं, तो उसी को आधार बनाते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी का मेन मोटिव था इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ हर इंडियन सिटीजन तक एजुकेशन को पहुंचाना। इस पॉलिसी के अंदर एलिमेंट्री से लेकर कॉलेज तक की एजुकेशन को कवर किया जाता है, साथ ही चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में, यानी रूरल एरिया में कोई स्कूल कॉलेज है तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, अर्बन एरिया के अंदर कोई स्कूल कॉलेज है तो उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर साथ ही साथ हमने जो लास्ट RTE एक्ट पढ़ा था उसके अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है और उसको ध्यान में रखते हुए टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन देने की बात इसके अंदर कही गई है। NPE 1968 थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाता है, जिसके अंदर बोला गया है कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज को कवर करना है बच्चे की करिकुलम में, साथ ही एक स्टेट लैंग्वेज को कवर करना है और एक हिंदी लैंग्वेज, ये तीन लैंग्वेज आपको एक स्टूडेंट को पढ़ानी होंगी। NPE के अंदर आपका इनकम, जो हमारा इंडिया का टोटल नेशनल इनकम है उसका 6% जो है खर्च करने की बात की गई है, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज को भी इनकरेज करने की इसके अंदर बात कही गई है। 1968 पॉलिसी के बाद नई पॉलिसी आई 1986 में, जिसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने। इस पॉलिसी का जो मेन मकसद था इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी था, यानी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की, लेकिन इनमें जो पॉलिसी के अंदर है फोकस किया गया था इंडियन वुमेन, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज को किया गया था। NPE 1986 के अंदर चाइल्ड सेंटर अप्रोच को भी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। चाइल्ड सेंटर अप्रोच का मतलब मैंने लास्ट बार भी बताया था कि चाइल्ड को सेंटर बनाते हुए उसकी एक्टिविटी को रेडी करना, बच्चा आपका एडमिशन लेने के बाद जब उसके इंटरेस्ट उसके नीड जब आपको पता लग जाता है आप उसको देखते हैं, उसके आधार पर उसकी एक्टिविटी प्लान करना, उसका करिकुलम बनाना। इस पॉलिसी के अंदर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को भी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी पॉलिसी के अंदर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आया था, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड NPE 1986 के अंदर लॉन्च हुआ था।
इसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन तक की सभी क्लासेस के अंदर ब्लैक बोर्ड लगाने की बात कही गई थी ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। इस पॉलिसी में ओपन यूनिवर्सिटीज को भी इनकरेज किया, ओपन यूनिवर्सिटी को भी लेकर आई। साथ ही साथ ये इसलिए लेकर आए थे कि ट्वेल्थ के बाद, बारहवीं के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से कहीं काम में लग जाते थे और वो पढ़ नहीं पाते थे, तो इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर आए गए ताकि वो बच्चे अपना काम भी कर सके और साथ साथ वो पढ़ाई को भी कवर करें, उसे छोड़े ना दें। और NPE 1986 आल्सो कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ इंडियन लीडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हमारे लीडर रह चुके हैं, उनकी फिलॉसफी, उन्होंने एजुकेशन की फिलॉसफी दी है, उस एजुकेशन फिलॉसफी के अंदर रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल दिया हुआ है, उसको भी NPE द्वारा अपनाया गया। 1986 जो NPE पॉलिसी है उसको मॉडिफिकेशन किया गया था 1992 के अंदर, और ये जो किया गया था PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद 2005 के अंदर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, उसके द्वारा इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया और नई पॉलिसी लेकर आई, और जो कि इसके ऊपर बेस थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बेस थी, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया गया। जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का मतलब आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी हमारी गवर्नमेंट गुटबंदर से जो बनती है, जोड़कर बनती है, उनको बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब है जब ऐसे गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार के हर एक सरकार के अपने कुछ पॉइंट होते हैं कि इसके अंदर ऐसे काम किया जाएगा, वैसे काम किया जाएगा, तो उसको आधार बना के एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि हम ये पूरे साल, उसमें 5 साल में ये काम करेंगे, और उस पर सब एग्री होते हैं, तो उसे एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी जाती है, उसी को बोला जाता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो उस पर काम करना NPE का मकसद था। एक लंबे टाइम के बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा इस पॉलिसी को दोबारा से पूरी तरीके से तैयार किया गया, और इस पॉलिसी में एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और इसको एक व्हीकल के रूप में प्रेजेंट किया गया। यह एजुकेशन को, एजुकेशन की वैल्यू को बेटर बनाने के लिए, सिटीजन की स्किल और उनकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, साथ ही देश की भलाई के लिए उसको लगाने का भी काम करता है। इस अच्छे अगर सिटीजन निकलेंगे तो डेमोक्रेसी भी हमारी मजबूत होगी। और इस पॉलिसी को MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 2016 में रिलीज कर दिया गया। अब 2016 के बाद एक बार दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 2019 में ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को रिलीज किया, जिसके अंदर करिकुलम कंटेंट को घटाने के लिए बोला गया, साथ ही आपका एक्सटेंशन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक एक्सपीरियंटल, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग को बढ़ाने की बात कही गई। आपका होलिस्टिक एक्सपीरियंटल लर्निंग होता है बच्चे की पूरी तरीके से होल लर्निंग करना, यानी होल लर्निंग का मतलब है बच्चे की माइंड का भी आपका लर्न होना चाहिए, माइंड के अंदर नॉलेज गेन होनी चाहिए, आपका फिजिकल लर्निंग होनी चाहिए, इमोशनल लर्निंग होनी चाहिए, मतलब हर पूरा के पूरा होल जो है उसमें लर्निंग होनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी एक स्किल के ऊपर काम करना है, तो उसको बोला जाता है होलिस्टिक एक्सपीरियंटल लर्निंग। एनालिसिस बेस्ड लर्निंग जो होता है उसका मतलब है आपका किसी चीज़ को भी खोल के एनालाइज करके बच्चे को बताना, एनालाइज का मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस तरीके के जवाब को एक्सप्लेन करना पूरी तरीके से, उसे एनालिसिस बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। इस पॉलिसी के अंदर एक और चेंजेस आए, जो 12 तक का स्ट्रक्चर है उसे दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया, और इस स्ट्रक्चर के अंदर अब जो दिया जाता है 5-3-3-4 सिस्टम दिया जाता है, 5 ईयर 3 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। जो फर्स्ट 5 ईयर है उसे फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है, इसके अंदर पहले 3 साल प्राइमरी के, प्री प्राइमरी के, और
दोज है आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, टोटल हो गए आपके 5 ईयर। नेक्स्ट 3 ईयर को प्री प्रेटोरी एज बोला जाता है, जिसको 3 to 5 क्लास इसके अंदर आती है। नेक्स्ट 3 ईयर जो आपके हैं मिडल स्टेज बोला जाता है, जिसको 6 to 8 क्लास उसके अंदर आती है। और लास्ट आपका जो 4 है उसे सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है, और आपका इसके अंदर 9 to 12 क्लास आती है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, जिसको नाम से ही पता लग रहा है 2006 के अंदर ये आई थी, और ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ का रिहैबिलिटेशन करती है, फिजिकली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। इसका मेन पॉलिसी का मेन फोकस रहा है वो रिहैबिलिटेशन करना है किसका, वुमन में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रेडी करना, सोशल सिक्योरिटी और रिसर्च वर्क में उसका पर काम करती है। नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द कंट्री एंड सीक्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफर देयर राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। नेशनल पॉलिसी बिल्कुल पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ये जो वैल्यूज़ है उनके जो वैल्यू होनी चाहिए उन पे काम करती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी हमने एक्ट जो पढ़ा था उसके ऊपर काम करती है, सेम वही कि उन लोगों को पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाना, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना और सोसाइटी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट करना, उनका पार्टिसिपेशन पर काम करती है। मेन जो उनका फोकस है पॉलिसी का, पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी को पूरी तरीके से रोकना, आपका रिहैबिलिटेशन मेजर्स, आपका जो डिसेबिलिटीज है उनको रिहैबिलिटेशन करना। नेक्स्ट आपका वुमेन विद डिसेबिलिटीज, उनके ऊपर काम करना कि उनको एजुकेशन दिलाना, क्योंकि वुमेन्स के लिए क्या होता है कि पहले ही वुमेन्स को पहले पढ़ाया ही नहीं जाता था, लेकिन जब वो डिसेबल्ड हो जाती हैं तो उनको बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता है कि ये पढ़ के क्या करेंगी, इन्होंने तो कुछ करना नहीं है। तो इसलिए इनकी एजुकेशन को, इनके इनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर इस पॉलिसी में जोर दिया गया है, जोर देकर इन पर काम किया गया है। यह पॉलिसी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पर फोकस करती है, इसमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, रिहैबिलिटेशन सर्विस ज़रूरत पड़ने पर प्रोवाइड करवाई जाती है, इक्विपमेंट दिए जाते हैं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट पर फोकस करती है, आपका स्कूल में, कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ में के बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो और बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जी सकें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर इश्यूज करती है, बच्चों की सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करती है, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करती है और रिसर्च को प्रमोट करती है, ताकि बच्चों में जल्दी से उनकी एबिलिटीज़ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है उस पर काम किया जाता है, उनके प्रिवेंशन पर काम किया जाता है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज पर काम किया जाता है कि कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, और साथ ही डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन और कल्चरल लाइफ का ऑर्गेनाइज करती है, ताकि इन बच्चों को कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ जोड़ा जा सके। यहाँ से अब हमारी स्कीम शुरू हो जाती है। पहली स्कीम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC, जिसको लॉन्च किया था 1974 में किया गया था। इसका एम सिर्फ इतना नहीं था कि इन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को कॉमन स्कूल के अंदर एजुकेशन का अधिकार दिलाना, बल्कि वहाँ के स्कूल सिस्टम के अंदर जो इनके लिए अवधारणाएं थी उनको रिड्यूस करना इसका काम था। साथ ही साथ इन बच्चों को जनरल कम्युनिटीज के अंदर इंटीग्रेट करना भी इस पर स्कीम का काम था। साथ ही बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, स्पेशल बुक के लिए, स्टेशनरी के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पेशल इक्विपमेंट के लिए और एड्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए 50% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम को देती थी। 1992 के अंदर इस स्कीम को रिवाइज किया गया और जो आपका 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट था अब यहाँ पे 100% कर दिया गया। साथ ही आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT के नाम से हम जानते हैं, उसने यूनिसेफ का हाथ
थामा और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो पी आई ई के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है आईईडीसी प्लान की स्ट्रेंथ देखने के लिए बनाया गया था, और उसमें पाया गया कि 14,905 स्कूल में 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे। और इस प्रोजेक्ट ने कंपोजिट एरिया अप्रोच को अपनाया, यानी हर एरिया के हर ब्लॉक के सभी रेगुलर स्कूल या इंटीग्रेटेड स्कूल में जाके सर्वे करने का। आईईडीसी जो है 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट किया गया। और इस प्रोजेक्ट के दौरान 3 लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनाए गए जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट आपका अ 5 डे ओरिएंटेशन कोर्स फॉर ऑल द टीचर इन द रेगुलर स्कूल्स, जो रेगुलर स्कूल के सभी टीचर्स के लिए लेना ज़रूरी था 5 डे का ओरिएंटेशन कोर्स। नेक्स्ट अ 6 वीक इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स फॉर 10% ऑफ द टीचर्स, कम से कम एक स्कूल के 10% टीचर्स को 6 वीक इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स करना ज़रूरी था। अ 1 ईयर मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 8 to 10 रेगुलर स्कूल टीचर, एक स्कूल के 8 से 10 टीचर्स को ये कोर्स 1 ईयर मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम करना जरूरी था। नेक्स्ट आता है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है और वो उस गवर्नमेंट का बेस्ट है, उसके लिए स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रोग्राम को फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा जाता है। जो SSA था वो भी एक इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को एक निश्चित समय में पूरा करने के लिए कहा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 86 संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बोला गया था उसके अनुसार फ्री एजुकेशन जो है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को देने की बात कही गई थी। साथ ही इस एजुकेशन को बच्चों का अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो उसको पूरा करने के लिए SSA को बनाया गया था। इसको स्टार्ट 2002 में कर दिया गया था, लेकिन उसका ओरिएंटेशनल जो है तैयारी थी 2002 से 2001 के बीच में की गई थी। सर्व शिक्षा का अब का जो एम था, उसका उद्देश्य था 2010 तक के में 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना था, कि उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो जाए 2010 तक। साथ ही साथ इसके अंदर एक उसका एम और था कि जो कम्युनिटी के अंदर सोशल, रिलीजियन और जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको दूर करना भी SSA का एक एम था। आगे 2014 के अंदर इसको बढ़ाया गया, उसका ब्रॉटम और किया गया, और बड़े भारत जो है एक प्रोग्राम इसी के अंदर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, जिसके लिए बच्चों के अंदर रीडिंग और राइटिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इंटरेस्ट जगाना था। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट जगाना इसका उद्देश्य था इस प्रोग्राम का। और उसको मैथमेटिक्स को सिर्फ बुकों तक ना सीमित रख के रियल लाइफ तक उसे जोड़ना था, रियल वर्ल्ड से उसको जोड़ना था। SSA के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन गारंटी, अल्टरनेटिव स्कूल सेंटर, बैक टू स्कूल स्कैम के अंदर इनरोल करवाना। साथ ही इन बच्चों को 2007 तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करवाना और 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करवाना इसका ऑब्जेक्टिव था। एलिमेंट्री एजुकेशन को की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ना इसका ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ जो जेंडर और सोशल कैटेगरी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, जो गैप में होता था, उसको दूर करते हुए प्राइमरी एजुकेशन 2007 तक कंप्लीट करवाना और एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक कंप्लीट करवाना। और लास्ट ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल
रिटेंशन बाय 2010। यूनिवर्सल रिटेंशन का मीनिंग होता है कि जिन बच्चों ने इनरोल किया था वो बच्चे ध्यान रखा जाए कि एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करके ही बाहर निकले। कुछ बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, उन बच्चों की प्रॉब्लम का पता लगाया जाए और उसको दूर किया जाए। इन सब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंटरवेंशन के दौरान कुछ काम किए गए एसएसए में, जो इस प्रकार है। नए स्कूल बनाए उन्होंने और अल्टरनेटिव फैसिलिटीज स्कूलिंग प्रोवाइड करवाई गई, एडिशनल क्लासरूम स्कूल में खोले गए, टॉयलेट फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई, इन सर्विस प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए प्रोवाइड करवाए गए, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया, फ्री टेक्स्ट बुक दिए गए, यूनिफॉर्म दिए गए और उसके इम्प्रूव लर्निंग करने के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए गए। साथ ही आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन इन्वॉल्व थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस से होके इसको गुजरना था। सबसे पहली स्टेज थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, सेकेंड है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन थर्ड स्टेज। सबसे पहली आपकी आती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। इसके अंदर आपका था सभी बच्चों को स्कूल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए, वो चाहे विलेज में हो चाहे आपका अर्बन एरिया में हो, तो किसी तरीके के भी एरिया हो वहाँ पे आपका नियर बाय पड़ोस में आपका स्कूल होना चाहिए। जो आपका स्कूल है हर एक किलोमीटर या दो के अंदर, एक किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ये हाँ इसका प्रोविजन था, बच्चों को दूर ना जाना पड़े। सेकंड आपका आता है उन जो स्कूल बनाए गए ए आपके किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो स्कूल आते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर, उसको उसमें सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के हैं उनको इनरोल करना। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, जो बच्चे इनरोल हुए थे उनकी कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन कराना। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैंने लास्ट बताया कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन निकालना, लेकिन उन बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करना। एसएसए करैक्टरिस्टिक्स वो इस प्रकार हैं। एक्टिविटी प्लानिंग करना, जिसके लिए माइक्रो प्लानिंग करना, हाउस होल्ड सर्वे करना, स्टडीज करना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज तैयार करना, ऑफिस इक्विपमेंट दे प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाना, क्लासरूम स्कूल्स एंड अदर फैसिलिटीज के लिए टीचर अपॉइंट करना, ओपनिंग ऑफ न्यू प्राइमरी एंड अल्टरनेटिव स्कूल फैसिलिटी लाइक EGS AIE सेंटर। EGS की फुल फॉर्म है एजुकेशन गारंटी स्कीम्स और AIE की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। EGS सेंटर्स जो है ऐसी जगह खोले जाते हैं जहाँ 1 किलोमीटर दायरे तक स्कूल नहीं होता और हर 1 किलोमीटर दायरे तक स्कूल खोलना पॉसिबल भी नहीं होता है। लाइक एग्जाम्पल पहाड़ी इलाके, वहाँ पे बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं और पॉसिबल नहीं है कि हर 1 किलोमीटर पर स्कूल हो, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी इतनी नहीं है कि वहाँ पे हर 1 किलोमीटर पर स्कूल खोले जाए। तो ऐसी जगह पे EGS स्कूल सेंटर खोल दिए जाते हैं, वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों की कंप्लीट करवाई जाती है। और ये जो सेंटर है, आपके एक एरिया में 5 से 10 बच्चे भी होंगे तो वहाँ पे ये खोल दिया जाता है। और AIE जो सेंटर है ये उन बच्चों के लिए खोले जाते हैं लाइक चाइल्ड लेबर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, वर्किंग चिल्ड्रन, जिसको किसी तरीके की सर्कमटेंसेस है, वो जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा, ये सेंटर्स उन बच्चों के लिए होते हैं। ओपनिंग ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल्स, कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल्स, फ्री टेक्स्ट बुक टू ऑल चिल्ड्रन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट फॉर प्राइमरी स्कूल्स ऑन अपग्रेडेशन ऑफ EGS टू रेगुलर स्कूल्स और सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्राइमरी स्कूल्स एंड फॉर अ न्यू अपर प्राइमरी स्कूल्स, नेक्स्ट स्कूल ग्रांट्स और टीचर ग्रांट्स, ये सब काम जो SSA द्वारा किया जाता है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है टीचर ट्रेनिंग, ओपनिंग फॉर CMAT, CMAT की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। दोबारा बोल रही हूँ, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, रिसर्च इवेल्यूशन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, मैनेजमेंट कोर्स, लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम,
इनोवेटिव एक्टिविटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC/ST, मिनोरिटी कम्युनिटीज, डिप्रेव्ड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया एंड कंप्यूटर एजुकेशन स्पेशली फॉर अपर प्राइमरी लेवल, सेटिंग अप BRC और CRC. BRC की फुल फॉर्म ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, CRC की फुल फॉर्म क्लस्टर रिसोर्स पर्सन. नेक्स्ट आपका है इंटरवेंशंस फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. लास्ट ये करेक्टरिस्टिक्स था. ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं SSA के. नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम रमसा के नाम से भी जानते हैं, और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2009 के अंदर. लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इसका 2009 से 2010 के बीच में हुआ था. ये इम्प्लीमेंटेशन इस कंडीशन पे किया गया था कि हर बच्चे को बिना भेदभाव के पूरी तरीके से उसका एजुकेशनल ग्रोथ किया जाएगा. और इसका एम था कि 15 से 16 साल तक के सभी बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना. और रमसा स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था, सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ उसके अंदर इनरोलमेंट को बढ़ाना था, उसके रेट को बढ़ाना था, जो 2005 से 6 के बीच में 52% था, अब 2009 से 2014 के अंदर वो 75% करना था. अदर ऑब्जेक्टिव इसके साथ ये भी था कि जो भी सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल थे वो सभी नॉर्म्स को पूरा करें जो सेकेंडरी स्कूल के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, सोशल इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज बैरियर से रिलेटेड हो, वो सभी को पूरा करना था. और साथ ही साथ 12वीं 5 ईयर प्लान करना था रमसा के, कि 5 ईयर प्लान, 12th 5th ईयर प्लान रेडी करना था इसका. और लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट, फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड इसके अंदर कराई जाती थी स्कीम के अंदर, जो इस प्रकार है: एडिशनल क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, टॉयलेट्स ब्लॉक्स, ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन, रेजिडेंशियल होटल्स फॉर टीचर इन रिमोट एरिया. इस स्कीम के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम किए गए जो इस प्रकार है: अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर टू रिड्यूस PTR टू 30:1. इसके अंदर एडिशनल टीचर्स को अपॉइंट किया गया जिसके स्टूडेंट टीचर के रेशो को कम किया गया. फोकस ऑन साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश एजुकेशन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर. टीचर्स के लिए इन सर्विस प्रोग्राम को तैयार किया गया, इसके अंदर टीचर्स को अपडेट किया जाता है. साइंस लेबोरेटरीज, ICT इनेबल एजुकेशन रिफॉर्म और टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म. टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म के अंदर टीचर अपनी रिसर्च करते हैं और अपनी टीचिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं. और नेक्स्ट इसके अंदर कुछ स्कीम बनाई गई जो इस प्रकार है: स्पेशल फोकस इन माइक्रो प्लानिंग, प्रेफरेंस टू आश्रम स्कूल फॉर अपग्रेडेशन, प्रेफरेंस टू एरियाज विद कंसंट्रेशन ऑफ SC/ST मिनोरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स. नेक्स्ट, स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन, मोर फीमेल टीचर इन स्कूल्स, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक फॉर गर्ल्स. चार मेजर हेड है इसके जो इस प्रकार है: क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एक्सेस एंड इक्विटी, इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. नेक्स्ट, 2018 के अंदर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और सर्व शिक्षा अभियान को दोनों को मिला दिया गया, और इन दोनों को मिला के जो नाम दिया गया, जब इन दोनों को मिला दिया गया तो उसका नाम रखा गया समग्र शिक्षा अभियान. अब जो है 2018 के अंदर क्या चलता है, समग्र शिक्षा अभियान SSA, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में SSA के नाम से ही जाना जाता है. नेक्स्ट स्कीम जो आती है हमारी, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जिसको हम IEDSS के नाम से भी जानते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम लॉन्च हुई थी 2009 से 10 में, और इस स्कीम ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन को रिप्लेस किया. ये स्कीम 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाले जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरा कराता है.
इसमें लड़कियों की को सेकेंडरी स्कूल तक लाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए पर मंथ 200 रुपीज़ भी दिए जाते थे, ताकि वो किसी भी तरीके से स्कूल में आए और अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग पूरी करें। यह स्कीम 2013 के अंदर रमसा स्कीम के अंडर कर दिया गया स्कीम को, क्योंकि रमसा स्कीम भी इसी तरीके का काम कर रही थी। रमसा भी 11th 12th में जो SSS से निकले बच्चे थे, उन्हें 11th 12th क्लास पूरी करवा रही थी, सेकेंडरी क्लास पूरी करवा रही थी, लेकिन वहाँ पे उसका फोकस सभी चिल्ड्रंस को लेकर था, और ये जो स्कीम थी स्पेसिफिक डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को लेकर थी। लेकिन इन दोनों का काम सेम था, इसलिए इसको इसके अंडर में कर दिया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य जो था थे वो इस प्रकार है। सबसे पहला उद्देश्य, स्टूडेंट विद डिसेबल्ड जो हैं उन्हें 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूसिव स्कूल के में पूरा कराना था, उसे कंप्लीट कराना था इंक्लूसिव स्कूल के अंदर। इस स्कीम को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कहा गया, और बच्चों के लिए साल के 600 रुपये की स्कॉलरशिप भी इस स्कीम का देना उसका उद्देश्य था। इस स्कीम के जो कंपोनेंट है वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वह स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर बच्चों को मेडिकल और एजुकेशनल असेसमेंट किया जाता है, बुक्स एंड स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रीडर अलाउंस, स्टैम्पेंट फॉर गर्ल्स, स्पोर्ट्स सर्विस, असिस्टिव डिवाइसेस, बोर्डिंग द लॉडिंग फैसिलिटीज, थेरेपेटिक सर्विसेज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेट्रा चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ दूसरा कंपोनेंट है जिसके अंदर स्पेशल टीचर्स को अपॉइंट करना, जनरल टीचर्स को अलाउंस देना, अलाउंस मतलब भत्ता होता है, टीचर को ट्रेनिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओरिएंटेशन, रिसोर्स रूम बनाना, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट तैयार करना, ये सब चीज़ें इनके लिए कंपोनेंट है इस स्कीम के, कि ये दोनों चीज़ें आप उसको तैयार करनी हैं। नेक्स्ट, इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव में आता है, सबसे पहला है आपके बच्चों को, इन बच्चों को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनको उनकी ज़रूरत एड्स, अप्लाइंसेस, असिस्टिव डिवाइसेस अवेलेबल करवाना। साथ ही चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका सेकेंडरी लेवल में आइडेंटिफाई करना और उनका एजुकेशनल नीड असेसमेंट करना। नेक्स्ट जो आता है, स्कूल के अंदर बैरियर्स जो होते हैं उनको रिमूव करना, और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरीज और टॉयलेट की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस स्कीम का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। साथ ही 3 से 5 साल तक के पीरियड के अंदर सभी जनरल टीचर जो सेकेंडरी लेवल को पढ़ा रहे थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, जिसके अंदर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाएगा उनको। साथ ही हर ब्लॉक के अंदर स्पेशल टीचर अपॉइंट करना और स्कूल के अंदर रिसोर्स रूम बनाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। साथ ही हर स्टेट के अंदर एक मॉडल के रूप में इंक्लूसिव स्कूल बनाना था। और इस स्कीम का जो टारगेट ग्रुप थे वो ये थे कि 14 से 18+ बच्चे होने चाहिए, एज के बच्चे होने चाहिए, और वो बच्चे जो एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करके निकले हैं कहाँ से, या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल से, लोकल बॉडी से, या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, उनको ये चीज़ आपको फैसिलिटीज मिलेगी, उसकी इस स्कीम का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो NTA, जो NTA हमने एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमारी 4 डिसेबिलिटीज आती हैं, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती थी। साथ ही PWD इस एक्ट के अंदर जो सॉरी स्कीम के अंदर PWD एक्ट के अंदर जो 7 डिसेबिलिटीज दे रखी थी, उसकी जो डिसेबिलिटी किसी अगर पर्सन को हो जाती है तो वो भी बेनिफिट इस स्कीम का उठा सकती थी। लेकिन अब PWD को रिप्लेस कर दिया है RPWD ने। अब 7 की जगह 21 डिसेबिलिटीज जो हैं वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं, लेकिन उन बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, 14 से लेकर 18+, और साथ ही वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपकी पूरी स्कीम थी, इसको अगर डिटेल में पढ़ना है
तो मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे, आप उसको कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कुछ कुछ टाइम का वेट करिए, मैं हर एक्ट को, स्कीम्स को और पॉलिसी को अलग से और डिटेल के अंदर लेकर आऊंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा इसके लिए। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।